Well, hello once again, welcome back to Bollywood Blast. मैं हूँ आपका दोस्त रोस्ट स्वप्निल. तो चलिए एक बार एक आपका फटाफट से वेलकम कर लेते हैं और आगे फिर हेडलाइंस के ऊपर नजर डालेंगे. नमस्कार, आदाब और सलाम. बच्चे, बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुने लगा कर अपने कान. इस हफ्ते मैं यानी कि आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड के कुछ दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरें ओनली ऑन योर शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट. हमारे धर्मेंद्र साहब को आखिर कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? संजय दत्त साहब की आखिर कौन सी मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है? ओमपुरी साहब का ट्विटर अकाउंट फेक है? वेल वेल वेल, दीपिका पादुकोण की पद्मावती मूवी आखिर कब रिलीज होगी? शाहरुख खान साहब आखिर कौन सी किताब को लॉन्च करने वाले हैं? मैडम कटरीना आखिर किसके बारे में आजकल बहुत ही ज्यादा बातें कर रही हैं? ओके जानू मूवी का क्या रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? रंगून मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है. ट्रिपल एक्स मूवी का क्या रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिसमें मेरी दीपिका बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही है? बोले के करके पूरी न्यूज़ पर नजर डालेंगे. बस कुछ गानों के बाद एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांग जनों के लिए सहज जीवन का एहसास. सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही. सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके. अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें. सुगम्य भारत, सशक्त भारत. विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार. नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ. हम लोग डिसेबल लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं. जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इन इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com. जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें. और हमारा फोन नंबर है 0987170166. धन्यवाद. तू बदल दे, रख हिम्मत, बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान. तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा.
खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहां चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हार सिला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूं मैं तेरे संग में हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। Well, once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। तो चलिए एक एक करके पूरी न्यूज पर नजर डालते हैं। मिस्टर धर्मेंद्र जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है। Well, the celebrity actor will win the award for his outstanding contribution to the Indian cinema. Well, संजय दत्त साहब की बायोपिक की शूटिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। फिल्ममेकर राज कपूर हिरानी साहब बायोपिक बनाने वाले हैं और जो पूरी टीम है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस बायोपिक के लिए। ओमपुरी साहब का ट्विटर अकाउंट बिल्कुल फेक है। ओमपुरी साहब की वाइफ नंदिता का कहना है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो बिल्कुल फेक है और जितने भी ग्लोबली और इंडिया में जो लोग उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं वो एक फेक प्रोफाइल पे फॉलो कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की अगली मूवी पद्मावती इसी साल नवंबर में लॉन्च हो रही है। ताकि कुछ और न्यूज़ सुन लो, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम
एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? My God, I'm so sorry सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है, मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियां इस प्रकार हैं। यहां पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं, इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहां प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। No one told me that the game was real. No one told me that my fate was sealed. No one told me that the way I feel, the way I'm skills, the way I'm built. Feel me, now you stand on stilts. It's not real, I'm 100 feet high though. No hydro, this is just me and my zone. Take a look at me and my throne. Yeah, I got tired of you fellas and your words and your terms. So I built my own world. Now it's me and my girl and the pearls that I earned. And it's well deserved, cause I cracked that code. In a city where the lights go down, you might not be found when they come back home. And your dream turned to nightmares, thinking it was right there. And you might not know what it takes to be known, what it takes for the gold. Let me say what I know. This is close. This is close. What I know, see, I thought of a dream. Thought of something you never seen. Thought of something that's never been. Then I woke up and made it. Now you thinking of me. Relate to the low, you the type on show. You a slave to the flow, I was made for this, yo. Now I'm breaking the mold, now I'm taking my soul. Everywhere I go, side to side to the door. Everywhere I go, side to side to the door. Play, play, I'm a gamer. More, 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 right. Gehra luft hai, tum nahi samjhoge. Kara fani kara kab aaye kara fani kara.
then I woke up and made it. Now you thinking of me, Cali. God, I'm funny, God, I'm lovely. मस्त मलंग वो अपनी धुन का अंतर मंतर कंतर ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी मृत्युंजय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी दूरा बेल का पत्ता तीनों लोक इसी की सत्ता स्पीकर भी अडिग अमर है महादेव आ रहा है जत्ता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय कर देख
के लिए जगत है झांकी, जना में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य में कभी कभी बड़ा विकट है, आंख से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, पांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। मांग तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में नाद उसी का पम पम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। वही शिवा तुझ में शिवा, कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा, उड़ा राख अग्नि को ज्वाला तू कर, मिटा दे अंधेरे तू बन के शहर। तो बोलो हर हर, जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फिक्र करो बीते लम्हों की, कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा, कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेल वंस अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। एक्टर शाहरुख खान साहब लॉन्च करने वाले हैं करण जौहर की बायोपिक एन अनसुटेबल बॉय को। अब उस बायोपिक के बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में बता चुका हूँ कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, और अब ये न्यूज कि शाहरुख खान साहब इसको लॉन्च करने वाले हैं। और कैटरीना कैफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ अगली मूवी में दिखेंगी, और मूवी का नाम है जग्गा जासूस। Well, 3 दिन के बाद ओके चानू मूवी का क्या रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार है। 3 दिन के बाद मूवी ने कमाया टोटल 13.80 करोड़। Well, रंगून मूवी का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हो चुका है, उसमें कंगना रनावत एकदम हॉट एंड सेक्सी दिख रही है। अभी कुछ और न्यूज चलते हैं, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन।
काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहाँ मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहाँ मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ।
परछाइयां लिखी थी लकीरों में तन्हाइयां हाँ मेरे हिस्से आई तेरी परछाइयां लिखी थी लकीरों में तेरा वो मेरे जाने पे चढ़ जाना तेरा वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा याद है ना वो पास आने पे पिघल जाना तेरा बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा दिल दिल मुझको तरसाना तेरा याद है ना याद है ना याद है ना से पलकों को खोलना पलकों पे दर्दों को तोलना दर्दों को चादर में छोड़ना जो तेरे तकिए पे नींदें थी पड़ी जो तेरी नींदों में रातें थी ढली जो तेरी रातों में सांसें थी चली याद है ना याद है ना याद है ना जाना तेरा बूंद बूंद मुझे
दीवाना तेरा, दिल दिल मुझको तरसाना तेरा, याद है ना, याद है ना, याद है ना। एक बार फिर से वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। तो चलिए एक बार ट्रिपल एक्स मूवी की बात कर लेते हैं जिसमें मेरी दीपिका एकदम हॉट एंड सेक्सी दिख रही है। दीपिका पादुकोण और विन डीजल की जो केमिस्ट्री है वो बॉक्स ऑफिस में अच्छा रन कर रही है। एक दिन के बाद टोटल जो कलेक्शन रहा वो था 6.75 करोड़। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन इससे थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन आगे भी पूरा हफ्ता बचा हुआ, देखते हैं और क्या होता है। क्वांटिको स्टारर प्रियंका चोपड़ा के टीवी सेट क्वांटिको में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें प्रियंका चोपड़ा को कुछ चोटें भी आई, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके ये अपने सारे फैंस को बताया है कि वो एकदम फिट एंड फाइन है। आगे कुछ और न्यूज चलते हैं, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। मैं दीपेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट केन के बारे में। स्मार्ट केन वो डिवाइस है केन के ऊपर लगने वाला जिसकी मेन पर्पज है सेफ मोबिलिटी देना, घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल्स है उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है। वाइट केन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज़ वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट केन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको हर्ट ना करें। उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पर अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट केन से पॉसिबल हो जाता है। दूसरा इसके कुछ यूज़ है बिना टच ये ऑप्टिकल का पता लगे, ये हमारी स्मार्ट केन की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ है कि नहीं। इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इसी तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट केन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और इसके चीज़ों को समझ लें अगर हम इसके वाइब्रेशन पैटर्न से हमें क्या बता रहे हैं, तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहेंस कर देगी। जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई, तुम मिले खो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से
किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की कसमें, तुम मिले खो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए।
जर्द सी जिंदगी बेनाम थी, कहीं चाहत हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती। एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना, एक बात से पहली दफा जो वो जरूरत हो गए, तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए। बदला हुआ हर पल है, रहती खुमारी हर जगह, प्यार था अनजाना हुआ साथ में उनका हॉलीवुड में जाने का फिलहाल में अभी कोई प्लान नहीं है। वैसे हॉलीवुड की बात करें तो अमिताभ बच्चन साहब ने 2003 में एक मूवी में काम किया था और मूवी का नाम था गेट्स बाय। फिल्म कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा अब कोरियोग्राफी छोड़ के फिल्म मेकर ही बन गए। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि वो कोरियोग्राफी उन्होंने छोड़ दी है। और रेमो डिसूजा का ये भी कहना है कि उनकी जो मूवी है वो इसी साल मार्च में आएगी, अगर जो मार्च में नहीं आती है तो वो मूवी अगले ईयर आएगी। वेल एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ शूटिंग में दिखे और सेट था ट्यूबलाइट का। हालांकि इसकी जो पिक्स हम अपने फेसबुक अकाउंट पर बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। आप चाहो तो मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को सर्च कर सकते हो आरजेबी सपनल के नाम पे। अभी कुछ और न्यूज सुनते हैं, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। गई
लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सोनी वे मैनू काला 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 मैनू काला चश्मा जचदा ए जचदा ए गोर मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए जचदा ए गोर मुखड़े ते जचदा ए गोर मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर ओ मैनू नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर ओ मैनू काला चश्मा Oh, man, oh, kala, kala, chashma. Hey, kala, chashma. Oh, kala, kala. अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट और एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज आ रही है दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम ने अपोलोजाइज किया है और ये चीज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके फैंस है वो उनको अपना रोल मॉडल ना माने हालांकि उन्होंने इस चीज को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि उन्होंने अपोलोजाइज किस बेस पे किया है और उसका जो रीजन था वो क्या है एक्ट्रेस यामी गौतम का कहना है कि ऋतिक रोशन एक बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस एक्टर हैं। एक्ट्रेस यामी गौतम का कहना है कि काबिल को सारा ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर शी हैज एवर वर्क्ड विद। वेल एक्ट्रेस सोनम कपूर का कहना है कि उनको अपने डैडी यानी कि अनिल कपूर साहब के ऊपर बहुत ही ज्यादा फक्र और प्राउड फील होता है। एक्ट्रेस सोनम कपूर को हाल ही में बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड मिला था और मूवी थी नीरजा। वेल दंगल मूवी का 24 दिन के बाद क्या रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इस प्रकार है। टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 375 यानी कि 375 करोड़। मैं यानी कि आपका दोस्त स्वप्निल आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। आप चाहो तो मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को सर्च कर सकते हो आरजेबी स्वप्निल के नाम से, और आप चाहो तो मेरे को व्हाट्सएप पे भी अपने मैसेजेस और अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 760777778। बाय बाय, टेक केयर।